मैं चाहता हूं कि यहां पर एक बहुत ही प्यारे लहजे को समाप्त करें। मैं सिर्फ यही नहीं, बंबई में भी सुना तो बहुत मुतासिर हुआ, सूरत में भी सुना तो बहुत मुतासिर हुआ, मैंने गुजरात के बहुत सारे इलाके में डॉक्टर अनिल बोस्ताने की शायरी को महसूस करते हुए सुना, बहुत सारे हिंदुस्तान के शोरा भाई अनिल बोस्ताने को बड़े अदब मात करते हैं और तारीफ करने पर मजबूर हो जाते हैं। आपका कांटदार लहजा, आपकी बेहतरीन शफाफ शायरी आपका तारुफ है कि एक दर्द अपने दिल में समोने लगोगे तुम, एक दर्द अपने दिल में समोने लगोगे तुम, अशकों से अपने चेहरे को धोने लगोगे तुम, तुमने कहा सुनी है मेरे गम की दास्तां, मैं हंस के भी कहूंगा तो रोने लगोगे तुम। पुरजोर तालियों से इस्तकबाल कीजिए खूबसूरत मेरे शहर अजीज मालेगांव का लहजा डॉक्टर अनिस बोस्तानी साहब की शक्ल में माइक पर। आप जरा सा बेदार हो जाए, ताली बजाकर इस्तकबाल करें ये उर्दू जबान के चाहने वाले की खूबसूरत शरी महफिल। फैयाज अनमोल साहब, अनमोल मेडिकल फाउंडेशन का शुक्रिया। डॉक्टर अनिस बोस्तानी माइक पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बड़ा अच्छा और बहुत बेहतरीन मुशायरा सोहेल आजाद, अब्दुल सत्तार वायरमैन, साबिर हिंदुस्तानी, शाहिद सना, उनके तमाम रफ़का ने मुनक़िद किया। और दोस्तों इस मुशायरे की खास बात यह है कि इस मुशायरे में एक बुलंद मर्तबत शख्सियत जिनका हम तमाम शोरा इकराम बड़ा एहतराम करते हैं, जनाब अलहाज यूनुस ईसा साहब। मैं वहीं से शेर शुरू करता हूं, आइए शरीक हो जाएं। 10 मिनट, सिर्फ 5-7 मिनट का मुशायरा मेरे लिए, उसके बाद और कई अच्छे शोरा हैं, आइए शरीक हो जाएं थोड़ा सा। के बंधा है जो कफन सर से, उसे ईमान लिखते हैं। क्या बात है। बंधा है जो कफन सर से, उसे ईमान कहते हैं। उसे ईमान लिखते हैं। बंधा है जो कफन सर से, उसे ईमान लिखते हैं। मियां हम जंग के मैदान को दालान लिखते हैं। क्या बात है। अच्छा, बंधा है जो कफन सर से, उसे ईमान लिखते हैं। मियां हम जंग के मैदान को दालान लिखते हैं। और कभी तुम झांक कर देखो, दिखाई देगा तुमको सब। कभी तुम झांक कर देखो, दिखाई देगा तुमको सब। हमारी आंख को अंधे भी रोशनदान लिखते हैं। जी जरा नवाजी, थोड़ा सा अगर हौसला अफजाई हो जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। दोस्तों दिल लगाकर समाप्त करें, भरपूर इस्तकबाल हर शेर का। बहुत बहुत जिंदाबाद, शुक्रिया जर्रा नवाजी। अच्छा शेर हो तो मुझे आप लोग बताएं ताकि मैं आगे पढ़ूं। बंधा है जो कफन सर से, उसे ईमान लिखते हैं। मियां हम जंग के मैदान को दालान लिखते हैं। मियां हम जंग के मैदान को दालान लिखते हैं। कभी तुम झांक कर देखो, दिखाई देगा तुमको सब। कभी तुम झांक कर देखो, दिखाई देगा तुमको सब। हमारी आंख को अंधे भी रोशनदान लिखते हैं। हमारी आंख को अंधे भी रोशनदान लिखते हैं। और हमेशा मुंतजिर रहते हैं कुछ ऐसे भी दस्तरखान। हमेशा मुंतजिर रहते हैं कुछ ऐसे भी दस्तरखान। कोई भूखा नजर आ जाए तो मेहमान लिखते हैं। बहुत अच्छे, वाह। हमेशा मुंतजिर रहते हैं कुछ ऐसे भी दस्तरखान। हमेशा मुंतजिर रहते हैं कुछ ऐसे भी दस्तरखान। कोई भूखा नजर आ जाए तो मेहमान लिखते हैं। कोई भूखा नजर आ जाए तो मेहमान लिखते हैं। जी, कोई भूखा नजर आ जाए तो मेहमान लिखते हैं। अब्दुल जब्बार कोमल आटो साहब, कोमल आटो वाला साहब की जानिब से नजाने खुलू डॉक्टर बोस्तानी साहब के लिए। डॉक्टर साहब लीजिए ये खूबसूरत, आइए थोड़ा सा समाप्त, 2-3 मिनट और। मतलब यूं हुआ है कि बंधा है जो कफन सर से, उसे ईमान लिखते हैं। मियां हम जंग के मैदान को दालान लिखते हैं। मियां हम जंग के मैदान को दालान लिखते हैं। दिखाई देगा हमेशा मुंतजिर रहते हैं कुछ ऐसे भी दस्तरखान। कोई भूखा नजर आ जाए तो मेहमान लिखते हैं। कोई भूखा नजर आ जाए तो मेहमान लिखते हैं। इसी पत्थर पे सर रख कर मेरी माँ सोया करती थी।
इसी पत्थर पे सर रखकर मेरी माँ सोया करती थी, इसी को इत्र वाले आजकल लोबान लिखते हैं। बहुत अच्छे, इसी पत्थर पे सर रखकर मेरी माँ सोया करती थी। वाह 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 वाह। इसी पत्थर पे सर रखकर मेरी माँ सोया करती थी, बहुत अच्छे वाह। इसी को इत्र वाले आजकल लोबान लिखते हैं, इसी को इत्र वाले आजकल लोबान लिखते हैं। और किसी ने हाथ रखा था, इसी को इत्र वाले आजकल लोबान लिखते हैं। इसी पत्थर पे सर रखकर मेरी माँ सोया करती थी, इसी को इत्र वाले आजकल लोबान लिखते हैं। किसी ने हाथ रखा था हमारे सर पे बचपन में, किसी ने हाथ रखा था हमारे सर पे बचपन में, कहानी में हम अपनी आज तक एहसान लिखते हैं। बहुत अच्छे वाह वाह जी, दरा नवाजी है जी, वाह 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 वाह। किसी ने हाथ रखा था हमारे सर पे बचपन में, बहुत अच्छे। किसी ने हाथ रखा था हमारे सर पे बचपन में, कहानी में हम अपनी आज तक एहसान लिखते हैं। बंधा है जो कफन सर से उसे ईमान लिखते हैं, मियां हम जंग के मैदान को दालान लिखते हैं। मतलब ये होता है कि गुड्डे से खेलती हुई गुड़िया को देखकर, हा 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 हा, गुड्डे से खेलती हुई गुड़िया को देखकर, गुड्डे से खेलती हुई गुड़िया को देखकर, क्या क्या मैं सोचने लगा बिटिया को देखकर। वाह वाह, गुड्डे से खेलती हुई गुड़िया को देखकर, गुड्डे से खेलती हुई गुड़िया को देखकर, क्या क्या मैं सोचने लगा बिटिया को देखकर, क्या क्या मैं सोचने लगा बिटिया को देखकर। और आंचल में माँ ने बेटी को अपनी छुपा लिया, आंचल में माँ ने बेटी को अपनी छुपा लिया, बदकारियों में डूबती दुनिया को देखकर। गुड्डे से खेलती हुई गुड़िया को देखकर, गुड्डे से खेलती हुई गुड़िया को देखकर, क्या क्या मैं सोचने लगा बिटिया को देखकर। आंचल में माँ ने बेटी को अपनी छुपा लिया, आंचल में माँ ने बेटी को अपनी छुपा लिया, बदकारियों में डूबती दुनिया को देखकर, बदकारियों में डूबती दुनिया को देखकर। और घबरा के रोने लग गया माँ से लिपट के मैं, घबरा के रोने लग गया माँ से लिपट के मैं, एक भीख मांगती हुई बुढ़िया को देखकर। वाह, घबरा के रोने लग गया माँ से लिपट के मैं, घबरा के रोने लग गया माँ से लिपट के मैं, घबरा के रोने लग गया माँ से लिपट के मैं, एक भीख मांगती हुई बुढ़िया को देखकर, एक भीख मांगती हुई बुढ़िया को देखकर। और याद आया भीगता हुआ बचपन मेरा मुझे, याद आया भीगता हुआ बचपन मेरा मुझे, बारिश में भीगती हुई चिड़िया को देखकर। बहुत याद आया भीगता हुआ बचपन मेरा मुझे, याद आया भीगता हुआ बचपन मेरा मुझे, याद आया भीगता हुआ बचपन मेरा मुझे, बारिश में भीगती हुई चिड़िया को देखकर। और फिर शाम लेके आ गई साहिल पे मुझको आज, फिर शाम लेके आ गई साहिल पे मुझको आज, एक लड़की याद आती है दरिया को देखकर। फिर शाम लेके आ गई साहिल पे मुझको आज, एक लड़की याद आती है दरिया को देखकर, गुड्डे से खेलती हुई गुड़िया को देखकर, क्या क्या मैं सोचने लगा बिटिया को देखकर, क्या क्या मैं सोचने लगा बिटिया को देखकर।